नमस्कार, मेरा नाम अंश और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल न्यूज़ रिपोर्ट पर। दो T20 वर्ल्ड कप, दो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच, लेकिन दोनों की कहानी बिल्कुल एक। 2021 में जो काम दुबई में पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने किया था, वह 2022 में मेलबर्न में भारत के अर्शदीप सिंह ने कर दिखाया। यानी दोनों मैच के पहले पावर प्ले में लेफ्ट आर्म पेसर का जलवा देखने को मिला। चलिए दोनों मैच में ऐसा क्या हुआ फिर देख लेते हैं। 2021 के वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर यॉर्कर लैंड डिलीवरी डाल के रोहित शर्मा के पैड पर बॉल मारी थी, जिसके कारण उनके बल्ला नहीं चला, गेंद पैड पर लगी और पाकिस्तान खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, एम्पायर ने आउट करार दिया। अफरीदी ने जमकर जश्न मनाया था। रविवार को मेलबर्न के स्टेडियम में दोनों टीम का एक बार फिर वर्ल्ड कप में मैच हुआ और इस बार किस्मत भारत के साथ थी। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही अर्शदीप सिंह ने बाबर आजम को LBW आउट कर दिया। अर्शदीप अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इस युवा गेंदबाज ने पहली गेंद मिडिल स्टंप पर फुल इन स्विंग डाली। बाबर आजम फ्लिक करना चाहते थे और पूरी तरह से चूक गए। भारतीय खिलाड़ियों ने LBW की जोरदार अपील की और एम्पायर ने आउट करार दिया। बाबर ने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू गलत साबित हुआ और वह पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज KL राहुल बड़े मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में शाहीन अफरीदी ने उन्हें आउट कर दिया था। राहुल 3 रन पर खेल रहे थे और तीसरे ओवर की पहली गेंद शाहीन अफरीदी ने गुड लेंथ पर डाल के इन स्विंग कराई और राहुल बोल्ड हो गए। 2022 के वर्ल्ड कप में राहुल को नसीम शाह ने बोल्ड कर दिया। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच जब मुकाबला खेला गया था, जैसे एक साल पहले शाहीन अफरीदी ने भारत सलामी बल्लेबाज को आउट किया था, वैसे ही अर्शदीप ने दोनों सलामी बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ी बर्ड।